स्मार्ट शक्तिमान ब्रांड की मशीन ये आगरा से परचेज किए हैं, ये समय मूंगफली पे चला रहे हैं। इस मशीन के अलावा मशीन कोई अच्छी मशीन नहीं, अच्छी मशीन नहीं लगी आपको ना? मेरे को नहीं लगी। डीजल बहुत कम खा रहा है वो, जो गौतम वाला 64 लीटर डीजल खा रहा है, ये गौतम वाला 63 जो है वो दब रहा है और 4 लीटर डीजल खा रहा है, और ये 63 डीजल खा रहा है लगभग 2 या 2.5 लीटर। घंटे में 30 बोरी निकाल रहा है। ये 30 बोरी पक्का है या 30 बोरी हुक्का कर दो, आला कर दो, 28-30 तो पक्का है, पक्का निकाल रहा है। आले भी कर दो आप, इसमें रोलर अलग करेगा। अच्छा इसलिए, अच्छा अच्छा, अभी बहुत लंबा रोलर है इसलिए, हाँ इसलिए 3 कोटे में बनाया हुआ है। ये मशीन पहली बार देखी है, पहली बार मशीन आई है। अच्छा बढ़िया, शायद ये 4-5 जिले में ये मशीन नहीं है। अच्छा तो वो क्या उम्मीद करते हैं आगे चल करके ये मशीन यहाँ पर किसान भाई पकड़ेंगे? सब मांग कर रहा है, किसान मांग रहा है यहाँ पे, किसान मांग कर रहा है। अच्छा नमस्कार भाइयों, ये थ्रेशर आगरा से है, आगरा शक्तिमान मेटल से। मशीन मूंगफली की आप कहाँ से परचेज किए हैं? आगरा से। आगरा से लाए हैं, तो मशीन का क्या रिस्पॉन्स रहा अब तक, कैसी चली बताइए? बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, कैसे बढ़िया चल रही है बताइए? गीली मूंगफली भी निकालता है और सूखी भी निकालती है। गीली भी निकाल रहा है, सूखी भी निकाल रहा है। अच्छा गीली में कोई माल बिल्कुल साफ आ रहा है? साफ आ रहा है, साफ आ रहा है। हाँ। अच्छा आपके गांव में कौन सी मशीन पहले अब तक चल रही है? ये चल रही है गुजरात वाली, मिक्सर नहीं जा रही, गुजरात वाली मशीन चल रही है, गौतम वाली, गौतम वाली चल रही है। अच्छा ये मिक्सर नहीं है माने, सक्सेस क्यों नहीं है गौतम वाली? इसमें ढाकली आती है और उड़ाती भी है, और ऊपर में आकार में धुला पड़ता है। अच्छा मूंगफली फोड़ती भी है, फोड़ती भी है। अच्छा तो इस मशीन के बारे में आपने कहाँ से? हद्दा थ्रेशर टाइप है, जो कमर फोड़ता जो शाद है, आटा में धुला नहीं पड़ेगा इसे। अच्छा और मूंगफली आप डेली उपाड़ के डाल लो तो निकल जाएगा। अच्छा अके बोरी बैसा तो तकलीफ नहीं मान। अच्छा सूखा भी निकलेगा और गीला निकलेगा, गीला भी निकलेगा, उपाड़ा डेली निकाल के मंडी भेज देगी। अच्छा इसलिए ये सही है, सही है। अच्छा ये मूंगफली बिल्कुल साफ आ रहा है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं? बिल्कुल साफ आ रहा, बिल्कुल। अच्छा आप लोग यहाँ पर मशीन ये किराए पे चला रहे हैं? हाँ है ना। हाँ। तो जिसकी भी फसल अब तक निकाली है वो किसान संतुष्ट है आपसे? संतुष्ट है। अच्छा और कितना पैसा ले रहे हैं उससे किसान से? 1500 रुपया ले रहा है, राजीव दे रहा है, राजीव दे रहा है। अच्छा बाकी जो और गांव में चल रही है मशीन है उसका क्या भाड़ा मिल रहा है आपको? उसका क्या भाड़ा चल रहा है यहाँ पे? 1100 रुपया लग रहा है। 1100 रुपये लग रहा है, लग रहा है। तो ये हमारी मशीन पर 1500 माल साफ आ रही है, माल साफ आ रहा है, इसे पैसा मिल रहा है? टाइम कम लग रहा है, माल साफ निकाल रही है। टाइम कैसा कम लग रहा है बताइए? निकलने में बहुत सरल से, सरल है, बाहर निकालना पड़ता है टूटा, इसके टूटा सब आगे आ रहे हैं। अच्छा ओके, मूंगफली का जो कचरा है वो सब आगे आ रहा है, सब आगे आ रहा है, टाइम उसका कम कवर लग रहा है। शक्तिमान का थ्रेशर जो है हाँ। इसमें माल बहुत ज्यादा निकल रहा है। अच्छा वो गौतम वाला थ्रेशर है हाँ। भी आधा माल ज्यादा निकल रहा है, बहुत 10 बोरी निकल रहा है, तो ये 20 बोरी से ज्यादा ही निकाल रहा है, ज्यादा निकाल रहा है, 10 बोरी माल ज्यादा निकाल रहा है, ज्यादा निकाल रहा है। इसमें क्या है कि एक कचरा नहीं आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल कचरा नहीं आ रहा है, और इसमें डालने में बहुत अच्छा है, वो टूटा है कचरा है सब वो आगे निकल जाता है। अच्छा इसका जो क्या डालता है वही कचरा निकलता है वापस, जहाँ से मूंगफली डालता है उसी तरह से वापस ये निकलता है। अच्छा मतलब इस मशीन में ये सहूलियत है, काम करने में आसानी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मशीन, बहुत बढ़िया। ये मशीन पहली बार देखी है? पहली बार मशीन आई है। अच्छा बढ़िया, शायद ये 4-5 जिले में ये मशीन नहीं है। अच्छा तो वो क्या उम्मीद करते हैं आगे चल करके ये मशीन यहाँ पर किसान भाई पकड़ेंगे? सब मांग कर रहा है, किसान मांग रहा है यहाँ पे, किसान मांग कर रहा है। अच्छा 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 चलिए चलिए। अच्छा ये जैसा आपने बोला गीला सूखा दोनों ये निकाल रहा है, तो मशीन में आपको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? कुछ मशीन में बदलाव करना पड़ता है क्या? कोई बदलाव नहीं, मशीन ऐसा का ऐसे चाहिए नहीं। अच्छा चलना नीचे वो सेटिंग दिया चलने का, वो ऊपर नीचे करने के बाद मशीन चल जाता है, सूखे पे भी गीले पे भी? अच्छा बढ़िया बढ़िया, कोई व्यवस्था नहीं, खराब नहीं है। अच्छा तो आप ये कभी कितने टाइम समय से मशीन चला रही है वाली? मैंने 10-12 दिन हो गए लाइन में, 12 दिन हो गया, 12 दिन से ये कितने घंटे चल गया अब तक? ये चल गया मतलब 50-60 घंटे चल गया चल गए।
तो कहीं 50-60 घंटे में कोई महसूस हुआ, कहीं दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। डीजल बहुत कम खा रहा है वो, जो गौतम वाला 63-64 लीटर डीजल खा रहा है। ये गौतम वाला 63 जो है वो दब रहा है और 4 लीटर डीजल खा रहा है, और ये 63 डीजल खा रहा है लगभग 2 या 2.5 लीटर। इसका ऐसा क्यों, ये कम क्यों खा रहा है ये मशीन? इसका बेयरिंग का सेट बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, मशीन ये ट्रैक्टर कितने स्पीड पे चल रहा है अभी? 10-11 की स्पीड पे चल रहा है। ट्रैक्टर कोई दब तो नहीं रहा 10-11 में? ये रीता ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें रोलर अलग करेगा। अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, अभी बहुत लंबा रोलर है हाँ, इसलिए 3 कोठे में बनाया हुआ है, वो 1 कोठे का थ्रेसर बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। मतलब कुल मिलाकर के आप पूरी इस मशीन से संतुष्ट हैं? कंप्लीट। अभी ये जैसे ये वाला ढेर एक निकल गया, एक मैं वो देख रहा हूँ वो निकल गया, ये कितने समय से मशीन चल रहा है यहाँ पे? 25 बोरी निकल जाता। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है कि गीले में ज्यादा अच्छा चल रहा है, सूखे में ज्यादा अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ है कि दोनों में बढ़िया है? दोनों में एक ही है, दोनों एक ही। अच्छा, आपको इस मशीन के बारे में कहाँ से जानकारी हुई थी? मोबाइल से जानकारी है। मोबाइल से जानकारी करी थी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा मशीन आपको दिखाता हूँ भाइयों। निकाल रहे हैं मूंगफली, ये किसान यहाँ पर हैं मौजूद में? हाँ है एक बार वो तो बात करो। क्यों मूंगफली निकलवा रहे हैं, अपनी फसल क्यों निकलवा रहे हैं? साफ निकलवा रहे हैं, साफ निकल रहे हैं। अच्छा, बाकी जो गौतम की मशीन जैसे बता रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दाना ज्यादा निकल रहा है निकल ये इसमें। अच्छा, तो ये जो माल इससे निकल रहा है इस मशीन से संतुष्ट हैं आप? सही है भाई, बढ़िया है, साफ निकल रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।